सनी देओल के ठुकराते ही ब्लॉकबस्टर हुई ये पांच फिल्में। लिस्ट में शामिल है शाहरुख खान अक्षय कुमार की मूवी। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री के दमदार हीरो माने जाते हैं। इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग मूवी गदर 2 को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में अमीषा पटेल संग उनकी जोड़ी बनी है। पहले भी दोनों की मैजिकल जोड़ी गदर में दिखाई दी थी। एक्टर को बेताब, इंडियन, घातक, त्रिदेव जैसी कुछ फिल्मों के लिए जाना जाता है। हालांकि ऐसी कुछ फिल्में हैं जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया और बाद में ये ब्लॉकबस्टर हुई। दीवाना। शाहरुख खान, दिव्या भारती और ऋषि कपूर स्टारर मूवी दीवाना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें उन्हें शाहरुख वाला रोल मिला था। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स में बताया गया कि सनी को ऋषि वाला रोल मिला था, लेकिन एक्टर ने ऑफर को ठुकरा दिया था। कोयला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म कोयला के लिए शाहरुख पहली पसंद नहीं थे और इसे सनी देओल को ऑफर किया गया था। हालांकि सनी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। बादल। बॉबी देओल और रानी मुखर्जी स्टारर बादल बॉक्स ऑफिस पर हिट मूवी थी। ये फिल्म भी कथित तौर पर पहले सनी को ऑफर की गई थी, लेकिन शेड्यूलिंग मुद्दों के कारण उन्हें इसे ठुकराना पड़ा था। पुकार। पुकार में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित ने अहम किरदार निभाया था। हर किसी ने अनिल की एक्टिंग की तारीफ की थी, लेकिन इस फिल्म के लिए सनी देओल से संपर्क किया गया था और उन्होंने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी के साथ कुछ मुद्दों के कारण इसे ठुकरा दिया। केसरी। फिल्म केसरी के लिए अक्षय कुमार मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। अक्षय से पहले इस रोल के लिए सनी देओल को अप्रोच किया गया था। हालांकि सनी ने कहानी में कुछ बदलाव करने को कहा था, जिसके लिए मेकर्स ने हामी नहीं भरी, जिसके बाद ये मूवी अक्षय को मिल गई। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।